let's begin. Okay, so what have we been discussing? We have been discussing condition for tangent, isn't it? अगर कोई लाइन सर्कल को टच कर रहा तो यूनिवर्सल कंडीशन कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन टू द लाइन इज इक्वल टू रेडियस, यूनिवर्सल कंडीशन। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने का तरीका क्या है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ सेंटर ऑन द लाइन इज अगेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, ये यूनिवर्सल रिलेशन है। और स्पेशल कंडीशन क्या है कि अगर गिवन सर्कल इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, माने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, if the line is in slope intercept form y is equal to mx plus c, then condition c square is equal to r square into 1 plus n square, or point of contact hota hai minus r square n by c comma r square by c, ye kaha use hoga, you know, ha use karenge ellipse aur hyperbola ko, this section mein apan zyada use karte hai, hai na, ki circle mein kya hota hai ki apne paas hamesha center hota hai, उसकी वजह से ना पूरा काम हो जाता है। लेकिन पैराबोला एलिप्स में देयर इज नो सच थिंग एज सेंटर, हां बस उसमें भी सेंटर होता है लेकिन ना उसमें ना वो उतना यूज नहीं होता, है ना। तो यस, सो वी हैव बीन डिस्कसिंग सो मच अबाउट, यू नो, वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट टेंजेंसी ऑफ लेट, है ना, लास्ट दो दो क्लासेस में। तो ना अगर टेंजेंट का इक्वेशन ही फाइंड करना है, सो हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, व्हाट ऑन व्हाट कंडीशन, आई मीन व्हाट इज गिवन, आई मीन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन, we can find equation of tangent and the equation of normal accordingly, hai na, so aaj ka topic hoga equations of tangent, hai na, right on, equation of tangent and the normal, equation of tangent and normal in various forms. तो बेसिकली अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को अपन नाम देंगे ईओटी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को ऑब्वियसली ईओएन, राइट। फर्स्ट वन पॉइंट फॉर्म, पॉइंट, नाउ इट्स प्रीटी ऑब्वियस, पॉइंट फॉर्म माने अपने पास क्या है या क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, माने अपने पास एक सर्कल का इक्वेशन है, से फॉर एग्जांपल वी हैव बीन गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिमेंबर इट कुड बी स्टैंडर्ड फॉर्म, इट कुड बी जनरल, इट डजंट मैटर, वी हैव बीन गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड वी हैव आल्सो बीन गिवन अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल, पॉइंट ऑन दिस सर्कल, रिमेंबर पॉइंट फॉर्म इज यूज्ड व्हेन वी हैव बीन गिवन अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल, अच्छा ऑब्वियसली ये होगा टैंजेंट, सही है, दिस इज योर टैंजेंट, अच्छा देन व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल कैसे दिखता है, रिमेंबर ऑलवेज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, और अपने को पता है कि सर्कल में नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है, डायमीटर होता है, रेडियस होता है, माने सेंटर से पास होता है, अच्छा ऐसे ड्रॉ कर लिया है, तो ये बन गया नॉर्मल, ये है अपना टेंजेंट और ये है नॉर्मल, एंड ऑब्वियसली दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड से फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज पी एक्स1 कॉमा, राइट, सो व्हाट इज गिवन टू अस, वी हैव बीन गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड वी हैव बीन गिवन अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ईओटी एंड ईओएन, अच्छा सो ना अपने पास दो मेथड्स है, एक कैलकुलस मेथड और दूसरा एग्जैक्ट, है ना, वो कैलकुलस मेथड वो वी विल कॉल, और एक जो एक्चुअल कॉनिक ज्योमेट्री मेथड क्या है, लेट्स सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय सिंपली s1 इज इक्वल टू 0, ये s s1 क्या होता है, तो पहली बात ये रिमेंबर वी विल बी गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल है अपने पास और पॉइंट है, एंड रिमेंबर जनरल अपन इक्वेशन ऑफ सर्कल को रेफर करते हैं एस एस, अच्छा फिर ये एस वन क्या है, और वो होता है एस वन वन, वो एस वन वन है और ये एस वन, अच्छा दोनों में फर्क है, हाँ दोनों में फर्क है, और एक्चुअली होता क्या है बेसिकली, है ना, बेसिकली तो वी नीड टू अंडरस्टैंड यू नो द टर्म्स हियर, ठीक है, अगर मैंने ना अगर मैंने
s को कंसीडर कर लिया, इफ आई कंसीडर s as से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, मैंने यहां ऑब्वियसली जीरो ले लिया क्योंकि मैंने इसको कंसीडर किया s, राइट? ठीक है, मैं जीरो ले लिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा ये s। अच्छा तो ना अपने को पता है कि s11 क्या होता है, दिस क्यों कैसे, बस सब्स्टिट्यूशन ऑफ द पॉइंट माने x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c, ये होता है s1 है ना। अच्छा तो फिर s1 क्या होता है, व्हाट इज s1, मतलब समझ रहे हैं कि इनमें इनमें क्या फर्क है p2 s। सो ये एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, सेकंड डिग्री माने x2 y2 टर्म्स होंगे। अच्छा x2 माने x x, आगे पक्का x2 माने x x, y2 माने y y, और ये 2x को अगर कंसीडर as x plus x चलेगा, और ये 2y को चलेगा, माने हर एक कांस्टेंट टर्म को छोड़ के हर एक टर्म में दो दो x है, या वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाए या वो एडिशन में हो जाए, इतना तो क्लियर है। अच्छा तो ये s11 माने दोनों भी x को आपने x1 से रिप्लेस किया, उसमें एक ही हो करेंगे। यस, इसमें हमने क्या किया, दोनों भी x को x1 से रिप्लेस किया, माने x1 into x1 x1 स्क्वायर y into y y1 into y1 y1 स्क्वायर, और यहां 2x 2x x है, 2x को x plus x लिखा है, 2x को x plus x, तो दोनों को भी x1 x1 वापस 2x1 2y1 plus c। अच्छा अगर ना अगर सिर्फ s1 माने यहां a की इसको x x1 से रिप्लेस करेंगे, 2x एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो वी गोना राइट द यू नो द ट्रांसफॉर्मेशन हियर, जब जब x स्क्वायर होता है वी रिप्लेस इट बाय x x, जब y स्क्वायर होता है वी रिप्लेस इट बाय, अच्छा और 2x को रिप्लेस करेंगे बाय x, है ना, वी गोना राइट इट दिस वे x प्लस x1, और 2y को y प्लस y1। और एक्चुअली एक और टर्म होता है 2xy, है ना, ये अपन कोलिक सेक्शन को कर लिया, अगर अपने पास होता 2xy, अगर अपने पास होता 2xy, 2xy माने बेसिकली xy प्लस xy, तो अपन क्या करेंगे, एक इसमें x1 से रिप्लेस करेंगे, दूसरा इसमें y1 माने ये होगा xy1 प्लस y x1, ये है अपना ट्रांसफॉर्म। And the good thing is ki we are going to use these transformations in all the chapters, subsequent chapters. Parabola, ellipse, hyperbola. Right? Very simple understanding. It's not difficult at all. Quite simple. Achha, maane mein ye kya kya karunga? X square ko likhunga SX1. Aur Y square ko likhunga Y1. Aur 2GX ko, kya aapne notice kiya? G into 2X is X plus X1. प्लस n टाइम्स 2y को y प्लस y1 प्लस c, कांस्टेंट टर्म तो बिल्डअप है ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा, बस बैठा है वैसे, राइट? सो नो प्रॉब्लम विद कांस्टेंट टर्म, है ना, इट रिमेंस एज इट इज, राइट? ओके, अच्छा माने ये s1 = 0 माने ये, है ना, अच्छा है ना, माने अगर अपने पास, सो आई वुड लाइक यू राइट कि इसमें If the equation of circle is x square plus y square is equal to r square, अगर ये equation of circle होता, अगर ये equation of circle होता, it's very easy to find. कैसे? X square को replace किया by x one, y square को one, और r square को यहाँ shift कर लूँगा minus r square is equal to zero. This is your EOP. Second, अच्छा, तो ना अगर हमने equation of circle ये होता, if this is your equation of circle. If this is your equation of circle, तो मैं क्या करूँगा? If this is your equation of circle, is equal to zero, है ना? अच्छा, तो obviously इससे कोई लेना देना नहीं है, right now, है ना? देखो, समझ लिया अपन? So ये जो है, this is your equation of tangent, is equal to finding equation of tangent is very simple, provided you have been given point on the curve on the surface
ऐसे ही गोइंग फॉरवर्ड कोई भी घर होता तो ये कर सकते हैं। अच्छा तो क्या करें, x स्क्वायर को इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लोगों को पता होना चाहिए, x x1 y y1 2x को x plus x1 2y को y y1। इससे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आप इस सर्कल, बट ये भी लिख लेना जरा 2x। अच्छा तो दीस आर योर इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना। अच्छा तो फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे, नाउ वेरी सिंपल यू नो द डायग्राम speaks for itself. Normal is actually passing through two points. One is center and the other one is given point. And Priyanka Chopra, PC equation of normal and equation of PC. आपके पास क्या information है? दोनों भी points हैं. Sorry, दो points हैं. तो radius की कोई जरूरत नहीं है. Radius length. आपके को किसकी जरूरत है? दो points की जरूरत है. तो equation of normal मिल जाएगा. सही है? चलो next point number two. EON. Point number two. EON. Now we will write here normal of a circle. Normal of circle always passes through its center. Therefore, equation of normal is simply PC. अच्छा, इसमें अगर मान लो equation of circle standard form में होता है, x square plus y square is equal to r square. तो clearly इसका center कौन है? और given point क्या है? सही? Given point तो x square y square. So obviously passing through these two points एक point find करना है. So simply y minus है ये वाला है, यानी y minus this is equal to n into अपने को कुछ two point को करना है ना। बस यार तो एक आप करेंगे वही slope क्या है, simply y is equal to y1 by x1 into x, तो ये क्या होगा x y1 minus y x x y 1 minus y x is equal to 0। मैंने बताया एक्चुअली ये इससे परपेंडिकुलर होता है ना, ऐसे भी अपन कर सकते हैं। सो डायरेक्टली लेट्स रिमेंबर दिस। और एक्चुअली अपन एवरेज डिटरमिनेंट यू टू मेमोराइज दिस, ये तो ऑब्वियस है, टू पॉइंट को का लाना स्ट्रेट लाइन तो नहीं आता ना। तो मैं सिंपल डायरेक्ट लिख लूंगा यहां x y 1 minus is equal to, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर वो जनरल फॉर्म में होता, मान लीजिए x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 होता, तो यहाँ सेंटर कौन है? सेंटर इज माइनस g माइनस f। और व्हाट इज द गिवन पॉइंट? x1 y है ना। अब देखो y माइनस y plus f is equal to y2 minus y1 है x2 minus x1 into आगे कम क्या किया हमने, टू पॉइंट का प्लस किया। एक्चुअली ये x1 y1 और ये एक्चुअली ये खुद x1 y1 है, इसलिए आपने को थोड़ा सा लग रहा है कि मेरी दिस इज ट्रिकी, बट तो इट्स नॉट एक्चुअली एक्चुअल क्वेश्चन। मैंने ये कोई दो पॉइंट्स हो गए, पहला को x1 y1 ले लो, दूसरा को x2 y2, बस सिंपली अप्लाई टू पॉइंट फॉर्म। एक्चुअली ना ये फॉर्म में लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस पढ़ा रहेगा। So, finding equation of normal, if point is already given, is actually quite simple. ये एक तरीका है, और actually ये will stick to this concept, है ना, इस chapter। लेकिन अपन same ये topic, AOD में भी है, tangent is normal, वो वाला formula भी apply कर सकते हैं। कर्व को डिराइव करो, d y by dx is slope of tangent और point है, slope point कौन सा आ रहा है, normal निकालना है, slope of tangent minus है, सिर्फ slope mt है, mn is minus 1 by mt है ना, हो गया ना, वो second method है, वो तो है ही आपके पास, so we won't be discussing that। second method is calculus method, right? okay, चलो एक तो question कर लेते हैं।
Let us first of all find EOD and EON. Find EOD and EON. To the circle, x square plus y square is equal to 25 at 3,4. At 3,4. Now, ये जो preposition जो है at, ये important है. Exactly. You see, at indicates कि the point lies on the circle. अगर at की जगह from होता, माने ये पॉइंट कहाँ है? सर्कल से भी बाहर है ना, क्योंकि सर्कल के अंदर से अपन टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. नो, वी कैन नेवर ड्रॉ टैंजेंट टू अ सर्कल इनसाइड फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल. टैंजेंट तो पॉसिबल ही नहीं. माने एट फ्रॉम आर टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. एट माने क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये सर्कल पे है ना. तो एनीवे बस इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. अगर मुझे ईओ की फाइंड करना है, व्हाट विल आई डू? EOD simply s1 is equal to 0, माने x square is xx1, y square is equal to 25, and what is x1? 3, माने 3x plus 4y minus 25 is equal to 0. Simple है ना, कुछ भी नहीं. अभी अपने को find करना है equation of normal. Remember किसी point तो है अपने पास, which is 3,4. अच्छा, अपने को center की जरूरत है. 0,0 डायरेक्ट हमें यहां लिखा भी है ऑलरेडी. आप चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड यू टू यूज फॉर्मूला, है ना. अच्छा, तो ये अपन लेंगे x1 y1 x2 y2, है ना. सो y minus 0 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus 0. ठीक है. एनीवे 3y is equal to 4x, माने 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. अगर आप चाहिए तो परपेंडिकुलर वाला फंडा यूज कर सकते हैं. कौन सा फंडा? इफ द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज 3x plus 4y, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू टैंजेंट कैन बी कंसीडर्ड एज bx minus ay. रिमेंबर, अगर आपको पैरेलल लाइन फाइंड करना होगा तो ये वाला पार्ट रिमेंस सेम. रिमेंबर, कांस्टेंट में फर्क पड़ता है. रिमेंबर. अच्छा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ना आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द मेथड हियर. कई मेथड्स है, चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला, राइट. तो 4x minus 3y, ओके, डन. 4x minus 3y इक्वल टू, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इट्स वेरी इजी, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस फाइंड EOD एंड EON. फाइंड EOD एंड EON. Two circle, x square plus y square minus 6x minus 8y is equal to 0 at 0,0. At 0,0. That's the wrong thing. Okay. See, now this is obviously your x1, y1. Now, I have noticed this is sp form. Still, I would write EOD is nothing but S1 is equal to 0. So, when I say x square will be set as x1 plus y square to y. Now, we need to be very careful here. We need to be very, very careful. This minus y square is 3. And now, this means 2x to alag karna hai. Yaha bachega 3 times x plus x1. Hai na? So, this might be a little bit tricky initial stages, mein, but again, you will get used to it. And this minus y square is 2 by 4 is equal to 4 by 4 by 5 plus 5 by 1 is equal to 0. See, stop. Let's check. Now, what do we do? X1 is equal to 0, y1 is equal to 0. 0 plus 0 minus 3 into x minus 4 by 1. So, what do we have here? Therefore, 3x plus 4 by 1 is equal to 0 is equation of tangent. Now, what do we have to do? EON. Equation from 2 point is around there. Given point is already 0,0. At the center, what is the center? 3,4. 3,4.
ठीक है अब देखो यू हैव 2 मिनट्स स्मार्ट वे व्हाट इज स्मार्ट वे 4x माइनस 0 राइट डायरेक्ट 4x माइनस 0 डायरेक्ट डायरेक्ट और टेक्निकली करना तो कैसे करें y माइनस मैं इसको x में डाल दूंगा y माइनस y1 is equal to y2 minus y1 of what? x2 minus x1 into x minus 0. So 3y is equal to 4x minus 4x minus 3y is equal to 0. Right? So look at the same thing. Yeah, that's the same. Okay. But you have to direct us after that. Actually, we should be taking is equal to k, right? Yeah, plus k is equal to 0. Like if both are passing through, my constant term? Yeah. 0. Direct is given as 0. Otherwise, what should we be writing? 4x minus 3y plus k is equal to 0. So, yeah, we revise the statement. Let's see. Just to make sure that we recall. अगर आपके पास एक इक्वेशन है लाइन का a x वीडियो पे c इक्वल टू 0 अगर आपने को कोई पैरेलल लाइन अपने को निकालना यू वांट टू फाइंड अ लाइन पैरेलल टू दिस व्हाट विल यू डू कीप a x प्लस b y वाला पार्ट सेम प्लस k इज इक्वल टू 0 है ना अच्छा अगर मुझे ना परपेंडिकुलर वाला निकालना तो व्हाट विल आई डू a x माइनस a y प्लस k इज इक्वल टू 0 और अब ये k फाइंड करने के लिए क्या तरीका है कि कोई पॉइंट वगैरह कोई इंफॉर्मेशन दिया हो पॉइंट आपको k मिल जाए Easy point form is called with the easiest form. Okay. Next one, write down slope form. Slope form. Now, this clearly tells us. What will be known to us? So, exactly. We'll be doing slope of the time. Yes. So, the slope of tangent is already known to us. Then, what will we do? A point here? No. Now, let's see. I mean, how will the question look? I mean, given information, test out. I mean, actually, kya hota hai? Let's see. Right? Okay. So first we always consider the simplest form. What is that? Let the circle be standard form. Meaning x square plus y square is equal to r square. So aapke paas na already slope hai. So remember, this is the pehle wala concept hai. Condition for tangents given. Remember we did discuss ki agar equation of circle standard form hai hota. और अपने पास स्लोप होता तो तुरंत आपको क्या फिट होना चाहिए y is equal to mx plus c आपने नोटिस किया यहाँ m है आपके पास क्या नहीं है c नहीं है y mx का वेरिएबल सही y को mx plus c में m है और c के ऊपर तो कंडीशन है व्हाट इज c शुड ऑलवेज सेटिस्फाई द कंडीशन c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर into एग्जैक्टली माने अगर आपके पास ऑलरेडी स्लोप है ऑलरेडी आपके पास स्लोप है एंड द सर्कल इज इन this is very important. Circle is in standard form. So, अपने को पता है कि equation of any kind is y is equal to mx plus c. But this, for this line to be a tangent, we have a very important condition. C square is equal to r square into पक्का 100% sure. I'm sorry. That means what is c here? C is plus minus r into root over तो मैं क्या करूंगा मैं इसको यहां देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस और माइनस r इनटू रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर द मोमेंट आई रिटन प्लस माइनस माने ऐसे कितने लाइंस होंगे दो और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है द टू वैल्यूज कैन बी Explain it. Yes, the two tangents are actually parallel tangents to the circle. Okay. But then you know, ये कौन से cases में applicable? I mean, what cases is this applicable? Now let's see. Question में दिया है, find equation of tangent to this circle, which is inclined at an angle 45 degree to x-axis. Slope में क्या सवाल है? Inclination दिया है, theta दिया है, tan 45. अब तो पता है कि m is equal to tan theta होता है.
मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन इज m1 आ रहा है तो वो कहां डालेंगे अपन यहां डालेंगे m1 की जगह और r को सब्स्टिट्यूशन तो पता ही है माने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया और ऐसे कितने टेंजेंट होंगे दो आ गए अनदर वे फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू द गिवन लाइन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पैरेलल टू गिवन लाइन वो लाइन का स्लोप पता है n n यहां डाल आ गया पक्का 100% से अच्छा टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू सम लाइन उसका स्लोप माइनस 1 बाय n किया माइनस आर स्क्वायर एम बाई सी कॉमा आर स्क्वायर बाई सी पर लेकिन अरे ये तो एक ही दो फॉर्मूला है दो दो पॉइंट्स कैसे आए कि आपने यहां नोटिस किया सी के एक्चुअली दो वैल्यूज है जब सी का पॉजिटिव लेंगे तो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब सी का नेगेटिव वैल्यू लिया तो दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अबे पक्का अच्छा ये है कहानी किसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए अच्छा तो फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करें Obviously, अगर आपके पास normal का slope है, remember normal always passes through center का zero का slope है, पक्का। माने if slope of tangent is known to us, we use this formula. Provided again the circle is in standard form. If slope of normal is given to us, it doesn't matter whether circle is in standard form or general form, क्योंकि वो कोई भी form में हो जाए, कि अपने को ना center से लेना देना है। कि अपने को सेंटर निकालना होगा और टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप ऑलरेडी है अपने पास डायरेक्ट स्लोप पॉइंट फॉर्म आगे पक्का श्योर तो फिर भी ठीक है ई ओ एन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड रिमेंबर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नॉर्मल ऑलवेज पासिस थ्रू सेंटर इसका सेंटर क्या है 0, 0 अगर आपके पास नॉर्मल सॉरी टेंजेंट का स्लोप है -1 पर किया आ गया नॉर्मल का स्लोप अगर डायरेक्टली नॉर्मल का ही स्लोप है स्लोप पॉइंट फॉर्म डायरेक्टली आगे सो ई ओ एन लिखने की जरूरत नहीं पक्का आगे श्योर ओके नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम तब होगा अगर जनरल फॉर्म में होता द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इन जनरल फॉर्म एंड वी नो स्लोप ऑफ द टेंजेंट वी स्टिल नो रिमेंबर स्टिल इट इज स्लोप फॉर्म तब क्या करें नाउ दिस इज नो वेरी ट्रिकी and very important now remember कोई भी line एक circle को touch कर रहा माने tangent है तो what is the universal condition perpendicular distance should be equal to radius yes. अच्छा तो मैं क्या करता मैं either I can start with this or I can also start with ax plus by और ठीक है इसी से start करेंगे I'll still take y is equal to mx plus c but remember c ये वाला c नहीं है ये नहीं ले सकते ये कब ले सकते ओनली व्हेन द सर्कल इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म वो एक प्रॉब्लम होगा तो इसलिए आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म है कि ये तो जनरल फॉर्म है ठीक है सिंस अपने पास स्लोप है तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया अपने पास क्या नहीं है सी तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा जैसे mx ये लाइन है दिस इज अ लाइन एंड दिस इज टेंजेंट टू दिस माने डायरेक्टली व्हाट आई एम गोना डू Perpendicular distance is equal to radius. Remember, center क्या है आपके पास? Line भी है. Radius find कर सकते हैं. ये condition apply करने से mod लगेगा. Mod के वजह से CD कितने radius होंगे? दो. इसलिए again कितने tangents possible है? दो tangents possible. आगे पक्का? अगर वो general form में होता, if it is in, if the circle is in general form, the best way to do is कि start with slope intercept form and apply perpendicular distance equal to radius. And remember, यहाँ अगर आपने को point of contact find करना होता हो, simply what to do? Once you found equation of tangent, foot of the bridge, we simply apply foot of the perpendicular. Once you find equation of tangent. अब और आपने notice किया यहाँ normal की कोई problem नहीं आ रही है, कोई चिंता नहीं है क्यों? क्योंकि नॉर्मल अगेन पासेस थ्रू
सेंटर इसका सेंटर क्या है माइनस सी माइनस एक पॉइंट है और स्लोप है स्लोप फॉर पॉइंट फ्रॉम अब कोई दिक्कत सो तो ना यहां व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन डू दे आस्क एंड ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में ना आपको पहला ही रिक्वायरमेंट है कि वी ऑलरेडी नो इट्स स्लोप करेक्ट स्लोप पता है बस ये कंडीशन मैंने ये वाला फंडा बनाया है ना चलिए फोन करते क्वेश्चन करें फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन ऑफ फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू फाइंड Equations of tangent to this circle. Find the equations of tangent to this circle. X square plus y square is equal to 9. And parallel to 3x plus 4y plus 5 is equal to तो फर्स्ट थिंग द फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड इज कि सर्कल इज इन सर्कल आई कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्ट माने सो आई एम स्टिल राइट मेथड वन माने ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि कैसे कि ऑलरेडी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस वन माने इमीडिएटली गिवन दैट का स्लोप फाइंड कर लूंगा व्हिच इज माइनस थीटा ऑफ और यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट पक्का तो इमीडिएटली मैं फाइंड कर लूंगा सी सी और रादर सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इनटू 1 प्लस एन स्क्वायर व्हिच इज 9 प्लस 9 इनटू 25 बाय 16 ये सी स्क्वायर तो व्हाट इज सी 15 बाय 4 प्लस माइनस 15 बाय 4 अब पक्का तो व्हाट इज अल्टीमेटली बाय y is equal to n m is minus 3 by 4 x m into x plus c acha theek hai plus minus cos multiply kar diya 4 so what will this become 4y plus 3x plus 3x plus 1 plus 1 pakka now bilkul carefully yaar ab dekho actually kya hoga agar aapko point of contact bhi find karna अगर ये क्वेश्चन राइट आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्वेश्चन है एक और एडिशन आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नाउ वी नीड टू बी केयरफुल अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना होगा तो अपने को केयरफुल रहना होगा कैसे कि ना आपने नोटिस किया यहां जब मैं सी प्लस लूंगा यहां पे भी मुझे सी प्लस लेना होगा अगर जब मैंने प्लस लिया तो जब इसको मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो वो माइनस आ गया पक्का कनेक्ट बस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अकॉर्डिंगली होगा ठीक है मैं यहाँ कन्वीनियंस से मैं लिख लूंगा डायरेक्टली प्लस और माइनस 15 इज इक्वल टू ठीक है काम करता है प्रॉपरली लिखेंगे माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू ठीक है अच्छा इसमें दो टेंजेंट्स है नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला तो उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड कैसे करें अकॉर्डिंगली मुझे पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करना है व्हाट विल आई डू माइनस आर स्क्वायर एम अपॉन सी अच्छा सी कितना है प्लस माइनस 15 बाय 4 कॉमा आर स्क्वायर 9 बाय 6 प्लस माइनस 15 बाय 4 नाउ आई एम गोना बी केयरफुल हियर अच्छा ठीक है ये 4 और ये 4 और ये 3 5 माइनस माइनस प्लस माने ये प्लस माइनस ही होगा प्लस माइनस 9 बाय 4 कॉमा ये भी प्लस माइनस 9 बाय 15 कितना है 9 9 ये 3 कैंसिल होगा ये 6 बाय 5 होगा और ऊपर 12 सही है अच्छा तो ना पहला राइट माने पहला माने नेगेटिव वाला इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है प्लस 9 बाय 5 प्लस 12 बाय 5 पक्का क्योंकि मैंने साइन को उठा के किया मैंने और दूसरा वाला टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है माइनस 9 बाय 5 माइनस 12 बाय 5 अब अगर आपको लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो क्या करें केस 1 केस 2 केस 1 c इज इक्वल टू 15 बाय 4 उसके हिसाब से टेंजेंट आ गया
और इमीडिएटली पीओसी फाइंड कर लिया। केस टू सी इज इक्वल टू माइनस 15/4, इमीडिएटली पीओसी फाइंड कर लेगा उसके हिसाब से। आगे सर का माने स्टैंडर्ड सर्कल है और पैरेलल जो सम है वो टू डू डायरेक्ट फॉर्मूला का आगे आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हेलो नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। Find equations of tangents to the circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 is equal to 0 and parallel to 4x plus 3y plus 5 is equal to 0. 4x plus 3y plus 5 is equal to 0. Notice kiya yahan by discussion method 1, you have not done by method 2. So method 2, what I could have done is कि ठीक है method 1 को discuss कर दिया तो method 2 में अपन क्या कर सकते हैं let's see and वही अपने को यहाँ use करना है। तो method 2 में क्या करें since tangents are parallel to this line so any line parallel to this line can be considered as x plus 4y plus some k is equal to 0 और ये line इसका tangent है, right? तो इसका tangent है, तो any condition, d माने, इसका center, इससे perpendicular distance, which is directly modulus of k, mod c upon root over a square plus b square, तो directly phi is equal to r, r is, so plus or minus 59, so k is basically plus or minus, आगे आ रहा है, put it back, so therefore dx plus 4 y plus 4 minus 15 is equal to 10. That is so much better than success. How do you find quarter quadrant? Now this is quarter quadrant SMI. First tangent, foot of the perpendicular. Second tangent, foot of the perpendicular. Where is it? Which is center. Center right. Center to the line. Okay, आगे अनेक बार सुनो। लेकिन जैसे कि यहाँ फुटबॉल को प्लेयर फाइंड करने में शायद से थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत है ना। पर लेकिन रिमेंबर वायर डिस्कशन बहुत मेथड है कि दोनों भी इंपॉर्टेंट है राइट। कभी कभी यू नो वी माइट हैव टू सेव सम टाइम तो तब ये यूज करें फॉर्मूला वगैरह। तो यहाँ कर लो मैं चलो गिव मी व्हाट आई नीड टू डू। So I need to find equation of tangents parallel to this line to the circle. What will I do? Any line parallel to this line is given by x plus 3 plus 0. So this is our EOT, right? लेकिन ये EOT होने के लिए ये इसको touch करना चाहिए। तो पहले एक बार इसका center find कर लूँगा। What is its center? 3.5 and radius root over 9 4 plus 1 कितना है? 13.25 which is same. तो what will I do immediately? D is equal to D माने modulus so substitution of point 4 is 12 minus 6 plus k नीचे root over a square plus b square which is 5 is equal to 5 so RHS में 25 directly और LHS में modulus of k plus 6 अब देखो दो values के लिए like expected तो मैंने k के 6 either होगा plus 25 in this case what is the value of k 90 or k plus 6 could be minus 31. K plus 6 is equal to minus 25 and k is equal to minus 31. Therefore, what are the equations of tangent? A line of graph, therefore, equation of tangent. This case also. This case also, what is the equation of tangent? 4x plus 3y plus 90 is equal to 0. Ye hai, aur dusra, 4x plus 3y plus 90 is equal to 0. Easy. Not difficult at all. बेसिक फंडा ही देखो ये तो अपन यूज करेंगे आखिर तक यूज करेंगे चैप्टर आखिर तक बीस बार तो आए बेस्ट रिलेशन आगे एंड डिफिकल्टी पक्का नॉर्मल कभी करें तो नॉर्मल नहीं कर पूछते
Next question. Find equation of normal, E O N, of normal to the circle x square plus y square minus 2x is equal to 0 and perpendicular to 2x minus 1 plus 3 is equal to 0 and perpendicular to 2x minus 1 plus 3 is equal to 0. So, we have equation of normal to find that. तो इसमें आपने को एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हमको डिस्कस करना था एंड रिमेंबर यहां अगर आपने को पीओसी फाइंड करना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना देयर इज नो शॉर्टकट वी हैव टू फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दो टेंजेंट्स के अलग अलग से तो व्हाट इज ही आस्क अस टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नॉर्मल माने ऑब्वियसली कैसे होगा सेंटर से पास होगा सही है तो इमीडिएटली मैं क्या शो करूंगा यहां सेंटर व्हाट इज सेंटर and the tan normal has to be okay. Actually पहले आपने भी line draw करना होगा line draw करना था पहले आपने तो उसके हिसाब से tangent normal draw करना होगा ठीक है अब line draw करना मान लो ये line what is equation of the given line ये equation of right तो it's very obvious sorry it's pretty obvious slope पता है simple तो पहले मैं इसका slope find करना what is given line का slope समान So what is slope of normal? Minus and it is passing through? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Slope of y minus y1 is equal to minus 1, m minus 1. Into x minus 1. And 2y is equal to minus x plus 1 minus x plus 2y minus 1 is equal to 0. Pretty simple, right? Just understand. Basic understand. Achha. Ek interesting question hai ki Can we also find a point? वो ठीक है point form नहीं करना था वो पहले से नहीं चला गया ना ठीक है we know we recall that एक question अपन recall करेंगे point form अगर एक normal वाला find करने भी आसान है slope बताया तो point बताया slope point form right next question एक question बताया था इसपे point form पे Find the area of triangle. Find the area of triangle formed by tangent and normal. Find the area of triangle formed by tangent and normal. Question number 6, is it? Find the area of tangent and normal. Formed by find the area of the triangle formed by tangent and normal drawn at 1, 2 to the circle x square plus y square is equal to 4 with positive x axis. So interestingly here tangent and normal are drawn at this point. So what I'm going to do is, I'm going to draw a rough figure. We can always draw figure. We can always draw figure. Okay, when I x circle draw figure. Right? Is 0, 0, we don't know that. You only point what I have to do? 2, 4, 8, 2. Obviously, radius towards the one, this is? 2, 4, 0. What is your only point? Answer. This is something which is not right? That's sure. 1, 4, 3, kaha? 1, 4, 3, kaha? Somewhere here? Obviously, right? Achha. Now, what I am supposed to do? We have to find equation. Sorry. We have to find area of triangle formed by tangent and normal at this point. Achha. Tangent is the area. Passing to this point? Yes. Okay. Achha, what? So what? Let's work up. Normal? It's a perpendicular. And interestingly, normal passes through. As well as the point.
पॉइंट इज गिवन ऑलरेडी व्हिच इज ईस्ट वी कैन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट राइट अच्छा और मे बी शैंगल कितना 90 डिग्री अच्छा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है तो वी सी अ ट्रायंगल हियर यस सर व्हाट इज अ ट्रायंगल 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 इज राइट अगर मैंने गिवन पॉइंट को पी कंसीडर कर लिया एंड इंटरसिटी नॉर्मल इट्स पासेस थ्रू अच्छा अगर मैं इसको मान लो ये पॉइंट बताया क्या नहीं लेट दिस पॉइंट बी सम क्यू ऑब्वियसली हमें एक सॉरी y कोऑर्डिनेट पता है व्हिच इज इक्वल टू c पर देखो फाइंड क्या करना है अल्टीमेटली एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड वी डू नो टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कौन सा ट्रायंगल है हाफ बेस क्यों अच्छा अगर मान लो मैंने इसको बेस ले लिया तो ये है क्या मेरे पास ऑलरेडी पक्का ये क्या है रेडियस है रेडियस पक्का ये तो रेडियस है या आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी फाइंड करके भी कर सकते हैं पक्का आ गया तो सर मेरे पास क्या नहीं है हाइट नहीं है और इसके लिए क्या चाहिए अपने को शायद ये पॉइंट चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए अपने को और वी कैन आल्सो डू वन थिंग ये बेस लेकर ये हाइट लेकर भी कर सकते हैं इफ यू वांट एंड माय अल्टीमेट का जो एक्स कोऑर्डिनेट को चाहिए उसके लिए अपने को ये वाली इक्वेशन चाहिए ये कौन है या टेंजेंट है tangent how do you find equation of tangent to a given at a point simple what is that yes sir hai na remember point form slope point yahan kya diya hua hai point point mane x1 equal to 0 to x1 is x x1 y square is acha x1 ki jagah 1 aur y ki jagah 3 is equal to तो यहां मैंने क्या किया मुझे ये पॉइंट निकालने के लिए मैं यहां y की जगह 0 डाल रहा हूं माने x की वैल्यू 4 आगे बस आते हैं ना आई कैन डू एनीथिंग आई वांट अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है व्हाट विल आई डू हाफ अब देखो व्हाट आई एम गोना डू इज दिस हैज बेस चलेगा अगर मैंने इसको बेस लिया तो बेस कितना होगा पक्का बेस इनटू ये होगा अपना हाइट ये कितना है डू वी नो सर ये रूट थ्री वेरी गुड कैसे सपोज ये पॉइंट का बाय कोऑर्डिनेट पक्का है ना श्योर ये पॉइंट के बाय कोऑर्डिनेट व्हिच इज रूट थ्री ये रूट थ्री है सर आगे आ सकते हैं जस्ट 2√3 स्क्वायर अगर आप इसको बेस लिया रहता तो ये भी ऑलरेडी हमारे पास 2 यूनिट्स तो वी वुड हैव टू फाइंड दिस बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक आगे नाउ अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वी वांटेड टू रिकॉल दिस पॉइंट एक्चुअली है ना पहला वाला क्वेश्चन हमने रिकॉल करना था ठीक तो पॉइंट ये है कि हमने एक पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया and this will definitely intersect the circle again at another point okay can we find that point a question you have drawn equation of normal at a point given point then find the point where the normal meets the circle again kaise find kare अरे वो डायमीटर है बाबा we need to find other end point of diameter aa gaya ye diameter hai pakka this is diameter one end point is known to us aur ye kya hai center hai we need to find other end point to the other point actually ye diameter hai ha ye kisi ko diya gaya ki ye diameter hai karke but diametric form pe chala gaya wo to ek sa sar kar raha ye diameter hai to we just have to find other end point of diameter so I'd like to write notes Or it is understood anyway, but still right now. Normal drawn to a circle at a point. Normal drawn to a circle at a point meets the circle again. At the other end point of diameter meets the circle again at the other end point of
diameter. ठीक है, और एक फॉर्म था पैरामेट्रिक फॉर्म, वो अपन कल डिस्कस करें. ठीक है, राइट.